चलो ना। हेलो हेलो, क्या आप लोग के पास मेरा आवाज और पिक्चर दोनों ठीक से जा पा रहा है? क्या मेरा वॉइस और वीडियो दोनों के दोनों क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार यस सर लिख दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, आपने यस सर लिख दिया है, यानी मेरे तरफ से वीडियो और ऑडियो दोनों ही क्लियर है। तो चलिए, आज हम लोग एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज की शुरुआत करेंगे। और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे सवाल आते हैं, और केवल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम अपने जीवन में भी इसका यूज करते हैं जाने अनजाने, आपको पता भी नहीं होता है और आप एवरेज का यूज भी कर रहे होते हैं। तो हम लोग आज एवरेज की शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से और इसको अंतिम लेवल तक पहुंचाएंगे। चूंकि ये ऑनलाइन का बैच है, इसलिए इसमें हम पहले आपका क्वेश्चन का थ्योरी करेंगे, मतलब 2 से 3 दिन आपका थ्योरी में लग जाएगा और 3 से 4 दिन आपका प्रैक्टिस सेशन में लग जाएगा। मतलब ओवर इन ऑल 7 से 8 दिन में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि ये चैप्टर केवल एवरेज के लिए ही यूजफुल नहीं है, इसके अलावा ये चैप्टर का यूज आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, आपका SI और भी जगह जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह में हम यूज करेंगे, साथ ही साथ डाटा में भी हम इसका यूज करेंगे। तो आप इस सवाल को अच्छे से समझिए, मतलब इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, ये आपके जीवन में भी उपयोगी है। तो समझते हैं इस टॉपिक को, ये क्या है, एवरेज है क्या। देखिए, एवरेज हम लोग अपने और भी जगह यूज करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए आपको अपने देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी हो, या आपके जिला का प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना हो, या आपके राज्य का प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना हो। तो ये प्रति व्यक्ति जो आय आप लोग निकालते हैं आपके देश का, प्रति व्यक्ति आय, इच पर्सन इनकम जो आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं, कहते हैं टोटल इनकम, किस चीज का, कंट्री का, मतलब देश के सभी व्यक्तियों का आय, अब बटा टोटल पॉपुलेशन, मतलब सभी व्यक्तियों के आय में आप जितने व्यक्ति हैं उससे भाग देते हैं तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। इसके अलावा आप बैट्स क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी आप किसी बैट्समैन का, आपका औसत रन निकाला जाता है। तो पता है आप औसत रन कैसे निकालते हैं? तो क्रिकेट में भी जो औसत रन आप निकालते हैं ना, वो बैट्समैन के द्वारा टोटल बनाया गया रन, टोटल बनाया गया रन, अब बट्टा टोटल खेली गई पारी, टोटल इनिंग बोल सकते हैं। तो इससे आप क्रिकेट में बैट्समैन का एवरेज निकालते हैं। तो देखिए, एवरेज का यूज हर जगह होता है कि नहीं, केवल इस चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है, आपके लाइफ स्किल में भी जरूरी है।
तो इसलिए ये चैप्टर को आसानी से आराम से समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये लाइफ स्किल भी इस पे बेस्ड है। तो चलिए एवरेज का क्या मीनिंग है वो समझते हैं। देखिए अपना कॉपी कलम तो आप साथ में रखे ही होंगे। मान लिया जाए किसी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, किसी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, और इसके अलग अलग मार्क्स हैं, कुछ भी हो सकता है, इसका अलग अलग मार्क्स है, तो एवरेज क्या बोलता है वो समझिए। एवरेज का क्या मीनिंग है देखिए, अगर किसी क्लास में 5 स्टूडेंट है और उसका अलग अलग मार्क्स है, और आपको एवरेज मार्क्स अगर निकालना है, यानी औसत निकालना है, औसत अंक निकालना है, तो इसका नियम होता है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटा, सॉरी नंबर नहीं, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। मतलब औसत का मीनिंग होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल डाटा बटा नंबर ऑफ टोटल डाटा। यहां सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि पांचों स्टूडेंट के सभी मार्क्स का योग, यानी जितना जितना नंबर लाया सबको जोड़ देना है, वही हुआ सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब जितने स्टूडेंट हैं, जैसे यहां 5 स्टूडेंट है तो 5 से भागा, यानी ओवर इन ऑल पांचों स्टूडेंट के सभी मार्क्स का योग सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन हुआ, और पांचों स्टूडेंट की संख्या मतलब 5 ये नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन हुआ। अर्थात सीधा सीधा अगर हम हिंदी में बोलें, यानी अपना देसी लैंग्वेज में बोलें, औसत बराबर सभी का योग बटा संख्या, यानी सीधा सीधा रखिए ना, योग बटा संख्या, योगफल बटा संख्या। आप अपना लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि औसत निकालना है तो सबका जोड़ दीजिए, अजय गो है उतना से भाग दे दीजिए, यही आपका एवरेज का मीनिंग होता है। और अगर कभी योगफल निकालना हो, अगर कभी योगफल निकालना हो तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या हो जाएगा, योगफल बराबर औसत गुना संख्या हो जाएगा, और संख्या बराबर संख्या अगर निकालना हो तो ये इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी योगफल बटा औसत हो जाएगा। ये आपका एवरेज का बेसिक रूल है, ये एवरेज का बेसिक रूल है कि औसत निकालना है तो योगफल बटा संख्या, किसका योगफल तो पांचों विद्यार्थी के मार्क्स का योगफल, संख्या क्या है तो जैग ऑब्जर्वेशन रहेगा वो, यानी जितने डाटा रहेंगे वो 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट वो बटा संख्या। अगर आपको योगफल निकालना हो तो औसत गुना संख्या करिए, और अगर संख्या निकालना हो तो योगफल बटा औसत करिए। ये एवरेज का 3 बेसिक रूल है, ये एवरेज का 3 बेसिक रूल है, और मुझे उम्मीद है, अच्छा ठीक है, हम अगले बार से बड़ा लिखेंगे, अगले बार से बड़ा लिखेंगे, लेकिन इतना से तो दिख ही जाता है, लेकिन अगले बार से हम बड़ा लिख देंगे। ओके, आप टेंशन मत लीजिए, अगले बार से हम बड़ा लिख देंगे। हम नहीं देख पाए आपका कमेंट्स,
अगले बार से हम बड़ा लिख देंगे, एक बार हम बोल देते हैं, एवरेज औसत बराबर सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब औसत बराबर योगफल बटा संख्या, और अगर योगफल निकालना है तो संख्या इधर जाके गुना हो जाएगा, औसत गुना संख्या, और संख्या अगर निकालना है तो ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, योगफल बटा औसत। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। मैंने कह दिया है 3 दिन तक थ्योरी चलेगा, और थ्योरी चलने के बाद हम ढेर सारा क्वेश्चन ही करेंगे। जब आपको रास्ता ही नहीं पता रहेगा तो दौड़ना कैसे जानेंगे आप। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, आप लिख लिए होंगे या समझ लिए होंगे। जैसे देखिए, अभी हमने 5 स्टूडेंट की बात की, जैसे 5 जो स्टूडेंट की बात की, चलिए इतना बड़ा तो आपको दिखेगा ही, मान लिया जाए हमने 5 स्टूडेंट का बात किया और उसका अलग अलग मार्क्स है। मान लिया जाए पहला विद्यार्थी का मार्क्स 40 है, दूसरा का 60 है, पहला का 30 है, तीसरा का 30 है, आगे 50 है, और उसके बाद एक का मान लिया जाए 70 है, और आपको इसका एवरेज मार्क्स निकालना है। मान लिया जाए अभी स्टार्ट चैप्टर है सर, थोड़ा स्लो मोशन में सर, नाम ताम हम अभी किसी का नहीं लेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लो, हम स्लो चलते हैं। मान लिया जाए 5 स्टूडेंट हैं, बच्चा बोल रहा है कि धीरे चलिए, तो धीरे चलते हैं हम। 5 स्टूडेंट है और इसका अलग अलग मार्क्स है 40, 60, 30, 50, 70, और आपको मान लिया जाए कहीं से निकालने बोला एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स निकालने बोला, औसत मार्क्स। तो औसत बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अर्थात नंबर ऑफ टोटल डाटा, सॉरी सम ऑफ टोटल डाटा। तो सम ऑफ टोटल डाटा अगर इसको जोड़ते हैं तो देखिए 40 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70। औसत का क्या मीनिंग होता है? कुल योगफल। तो कुल योगफल मतलब सबको जोड़ना है। अब बट्टा जयगो है कितना है? 5 स्टूडेंट है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए 60 40 100 और यहां 7 5 12 120 यानी 220 220 30 250 और 250 में 5 से भागा दीजिएगा तो आपका एवरेज आ गया 50। तो एक चीज तो आप समझ गए कि सर एवरेज निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन को यानी सभी डाटा को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, और जितने डाटा हैं उतने डाटा से भाग देंगे। तो कै गो डाटा है? 1 2 3 4 5, यहां सवाल में पहले ही हम बोल दिए थे 5 स्टूडेंट, तो बट्टा 5। ये 50 जो आया वो एवरेज आया, जो 50 आया वो एवरेज आया। अब हम इसमें आपको ये तो मैथमेटिकली समझा दिए, अब कुछ रीजनेबल इसमें फैक्ट है जो आपके अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करेगा और प्रश्न बनाने में बहुत जगह काफी मदद भी करेगा। तो इसका एक्चुअल मीनिंग और इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहां ध्यान से समझेंगे कमेंट रोक कर। देखिए आपका जो संख्या है, इधर तो आपको विजुअल है, आपका जो संख्या है 40
साठ, तीस, पचास, सत्तर, ये आपका ऑब्जर्वेशन था। और आपका जो एवरेज था ना, आपका जो एवरेज आया वो कितना आया? 50 आया। आपका एवरेज 50 आया। तो आप देखिए, आपका जो एवरेज आया सबसे छोटा संख्या से बड़ा है और सबसे बड़ी संख्या से छोटा है। आप जरा ध्यान देंगे इस बात पे, सबसे छोटा से बड़ा और सबसे बड़ा से छोटा। अब आप कहेंगे, हो सकता है सर ये संजोग होगा, जरूरी थोड़ा है, हम काहे मान लें ये बात। तो थोड़ा और भी आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए तीन गो संख्या है, एक पांच है, एक आठ है, एक तीन है। तीन पांच आठ है और आपको इसका एवरेज निकालना है। तो देखिए, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह और पांच सोलह, तो सोलह और संख्या कै गो है? तीन गो। तो फाइव पॉइंट कुछ आएगा, फाइव पॉइंट कुछ। तो फाइव पॉइंट कुछ जो आया, देखिए सबसे छोटा वाला से बड़ा और सबसे बड़ा वाला से छोटा है कि नहीं। और भी जगह ले सकते हैं, जैसे आठ, बारह, जैसे चौबीस, जैसे मान लिया जाए चार, ये है। इसका आप एवरेज निकाल लीजिए, बारह आठ बीस, बीस बीस चालीस, चालीस अब आठ अड़तालीस, और कै गो ऑब्जर्वेशन है? एक दो तीन चार। तो यहां देखिए, बारह चौका अड़तालीस, ये आपका बारह आया। तो देखिए, छोटा वाला से बड़ा और बड़ा वाला से छोटा आया कि नहीं। यानी एवरेज का मतलब ही होता है कि जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे उससे छोटा होगा। यानी इसको आप पहला कंक्लूजन लिख सकते हैं, ये कहीं पर लिख लीजिएगा कि एवरेज जो होता है ना, वो मिनिमम नंबर से बड़ा और मैक्सिमम नंबर से हमेशा छोटा होता है। ये आपका पहला कंक्लूजन निकला। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? एवरेज जो है मिनिमम नंबर से हमेशा बड़ा और मैक्सिमम नंबर से हमेशा छोटा होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत सारा ऐसा सवाल होगा जो खाली इसको देखकर ऑप्शन डायरेक्ट ही लग जाएगा, ऑप्शन डायरेक्ट ही लग जाएगा कि इसका औसत क्या होगा। औसत का मतलब ही होता है कि मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा। यानी एवरेज उसी नंबर के रेंज में रहेगा, ना कि छोटा से छोटा नहीं हो सकता और बड़ा से बड़ा नहीं हो सकता, उसी के रेंज में रहेगा। यह आपका पहला कंक्लूजन आप अगर लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिख लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं। सनोज कुशवाहा, फास्ट चलेंगे, टेंशन मत लो, दो तीन दिन स्लो चल लेते हैं ताकि सबको थ्योरी समझ में आए। क्वेश्चन पे बड़ा फास्ट चलेंगे, टेंशन ना लो।
चलिए आगे देखिए। अब आगे समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए पांच गो स्टूडेंट है जिसका एवरेज मार्क है 15, 20, 25, 35 और 45। अब इसका एवरेज आपको निकालना है, तो इसका एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज बराबर होता है कुल योगफल बटा कुल संख्या। तो इसको जोड़ते हैं, देखिए 20 और 15 35, 35 35 70, 70 और यहाँ देखिए 45 25 70, मतलब 140। अब बटा कितना है 5, 28 आया। अब ध्यान से देखिए 28 जो है छोटा वाला से बड़ा और बड़ा वाला से छोटा है कि नहीं, यानी पहला कंक्लूजन आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है कि एवरेज का मीनिंग होता है कि मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा होगा। अब एक चीज और देखिए, ये जो 15, 20, 25, 35 और 40 है, ये जो 28 एवरेज था ना, एवरेज का मतलब होता है कि जिसके हिस्से में ज़्यादा है उससे ले लेना और जिसके हिस्से में कम है उसको दे देना और सबको इक्वल कर देना, ये एवरेज का मीनिंग होता है। देखिए, नहीं तो देखिए इससे कितना कम है, 28 15 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर इससे कम है, ये इससे कितना कम है, तो माइनस 15 28 से कितना कम है, तो माइनस 13, 13 कम है, यहाँ कितना कम है माइनस 8, यहाँ कितना कम है माइनस 3 और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा देखिएगा तो प्लस 7 और यहाँ देखिएगा सॉरी 45 होगा, यहाँ देखिएगा तो आपका प्लस 17 ज़्यादा है। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो टोटल कितने की कमी है, तो 8 3 11 माइनस 13, 13 यानी माइनस 24 और यहाँ कितने का अधिक है तो प्लस 24। तो जिससे आपका कमी था माइनस 24 और प्लस था और ज़्यादा था प्लस 24, यानी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी एवरेज का नेट डिविएशन ज़ीरो होता है। मतलब एवरेज में डिविएशन खोजिएगा, डिविएशन मतलब होता है जितना ज़्यादा और जितना कम उसको प्लस कर दीजिएगा तो ज़ीरो आ जाएगा। मतलब हमेशा याद रखिएगा, एवरेज का नेट डेविएशन ज़ीरो होता है हमेशा। मतलब एवरेज अपने पास कुछ नहीं रखता, एवरेज अपने पास कुछ नहीं रखता, एवरेज का एवरेज ऐसे अंक को रिप्रेजेंट करता है जिससे ज़्यादा हो उससे ले लेता है और जिसको कम हो उसको दे देता है। मतलब इसको 13 देकर इसको 28 कर देगा, इसको 8 देकर 28 कर लेगा, इसको 3 देकर 28 कर लेगा, इससे 7 लेकर इसको 28 कर देगा और इससे 17 लेकर 28 कर देगा। एवरेज का मतलब होता है जिससे जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लेना और जिसके पास कम है उसको दे देना, यही एवरेज का मीनिंग है। जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लेना और जिसके पास कम है उसको दे देना, अर्थात एवरेज का नेट डेविएशन ज़ीरो होता है। तो चलिए, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना बात आपको समझ में आया, पहले फटाफट कमेंट में लिखिए क्या इतना बात आपको समझ में आया, यस और नो, इतना बात आपको समझ में आया। अरे हाँ या ना बोलना यार, अभी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, मुझे पढ़ाने आता है।
आप मुझे सिखाओ मत, 8 सालों का एक्सपीरियंस है, इंटर के बाद से ही पढ़ाना चालू किया है, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है। देखिए अब सेकेंड थिंग हम आपको बताते हैं, देखिए सेकेंड बात, अगर मान लिया जाए 2 संख्या है 25-25, यानी दोनों के दोनों बराबर है और इन दोनों का एवरेज पूछेगा, तो आप इसका एवरेज ऐसे निकालेंगे ना, नंबर सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 2 गो है तो 25-25, 50/2 यानी 25। आप मुझे बताओ इसका एवरेज 25 आया। आप कहेंगे सर यहाँ तो छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा तो हुआ ही नहीं, तो हम इसमें कुछ बोलना चाहेंगे। वो देख सुनो, अगर 3 संख्या है और तीनों ही बराबर है और इसका एवरेज निकालना है, तो तीनों का सम बटा 3 गो है तो 25। अगर 4 संख्या है और चारों ही बराबर है और इसका एवरेज निकालना है, तो 100/4 = 25, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि छोटा बड़ा वाला बात तभी होगा जब नंबर डिफरेंट रहेगा, जब नंबर डिफरेंट रहेगा तभी छोटा और बड़ा का बात होगा। आप कंफ्यूज मत कर जाना कि सर बराबर बराबर संख्या है और एवरेज भी 25 आया, तो आप तो कहे थे कि एवरेज जो होता है वो छोटा वाला से बड़ा और बड़ा वाला से छोटा होता है, पर यहां तो हुआ ही नहीं। तो मैंने उस नंबर की बात की थी जिसमें डिफरेंट प्रकार का नंबर था, तो डिफरेंट प्रकार का नंबर रहेगा ना, तो आपका वो रूल है कि छोटी वाली संख्या से कुछ बड़ी और बड़ी वाली संख्या से कुछ छोटी। बट अगर सभी नंबर्स बराबर हो, यानी सभी ऑब्जर्वेशन बराबर हो, तो एवरेज उसी ऑब्जर्वेशन का एक भाग होता है। मतलब 25-25-25 है तो 25 कितना भी लिख दो उसका एवरेज 25 ही रहेगा। मतलब अगर हम बोल दे 101 है अनंत बार, 101 है अनंत बार, उसका एवरेज क्या होगा, तो आप कह देना है 101। अगर मान लिया जाए 78.8 है, 78.8 है आपका, बहुत बार है 78.8, कहेगा इसका एवरेज क्या होगा, तो आप आंसर तुरंत बोल देना 78.8। यानी आप तीसरा नोट ये भी लिख सकते हो कि अगर सभी मार्क्स या सभी संख्या आपस में बराबर हो, तो एवरेज उसी किसी एक संख्या के बराबर होता है। मतलब इसमें कोई प्लस या कोई माइनस नहीं होता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे मैं एकदम जीरो लेवल से उठाया हूं क्लास को, एकदम जीरो लेवल से उठाया हूं। अगर किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो जरूर कमेंट में लिखना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बालक आपको जो 4 चीज सिखाए हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, और हम इसको रिपीट केवल बोल के करेंगे। अगर एवरेज निकालना हो तो योगफल बटा संख्या, योगफल निकालना हो औसत गुना संख्या, संख्या निकालना हो योगफल बटा औसत, और कोई भी एवरेज अगर संख्या डिफरेंट हो देन एवरेज मिनिमम से कुछ बड़ा और मैक्सिमम से कुछ छोटा। इतना तक हमको लगता है मेरे सभी बच्चे को क्लियर होगा। तो चलिए अब छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और आप बनाओगे। हम एकदम जीरो से उठा रहे हैं, और अगर आप यहां से सीख नहीं पाए तो दुनिया का कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकता। चलिए एकदम छोटा सा सवाल दिए हम। अगर मान लिया जाए 4 गो बच्चा है
उसका इतना इतना संख्या है, इसका जरा फटाफट एवरेज निकालिए, इसका जल्दी जल्दी एवरेज निकालिए, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, जल्दी से इसका एवरेज निकालिए। वीडियो रुक रहा है, दिस इज योर प्रॉब्लम, हमारी तरफ से सब सही है। चलिए, मेरे कुछ बच्चे जयराम, विकास, विनय, नलंदा की धरती से, मुन्ना जी प्रिंस ऑफिसर एकेडमी, धर्मेंद्र कुमार प्रिंस ऑफिसर एकेडमी, आप अच्छा आदमी नहीं हैं, बड़ी खराब आदमी है। ये पगला एवरेज लिखा 70, बताओ कितना बड़ा आतंकवादी है ये, 70 एवरेज बता रहा है ये। हम तो शुरू में बोल दिए तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता, इसको तो सोच भी नहीं सकते, ये ऑप्शन में देखिएगा भी तो हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज छोटा वाला से बड़ा और बड़ा वाला से छोटा होता है। ये 70 तो आप 62 से बड़ा कर दिए, कभी हो ही नहीं सकता। एवरेज का मतलब होता है टोटल जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए 4 2 6 6 8 14 14 5 19, और यहां देखिए 6 1 7 3 10 2 12 12 1 13, अब बटा आपका हो गया 1 2 3 4, तो इसको डिवाइड कर दिए 4 3 12, और बाकी बच गया 1, ये 4 4 16, और बाकी बच गया 3 34.75, जो दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, 34.75 होगा। चलिए आगे, अगर मान लिया जाए एन संख्याओं का, एन संख्याओं का योगफल 800 है तथा औसत 20 है, तो n का मान निकालें, n का मान ज्ञात कर, जल्दी से आंसर दीजिए, n का मान ज्ञात करना है। विनय पटेल का पहला जवाब 40, जयराम कुमार 40, नलंदा की धरती से मुन्ना 40, मनी 40, गौतम कुमार, जितेंद्र, संजीत, चंदन, विपिल, राजीव, मैनी, नीतीश, प्रजापति, स्वीटी, सर्विला, ओम प्रकाश, रिमझिम, प्रिंस ई ऑफिसर, प्रिंस ऑफिसर एकेडमी का दिमाग आज खराब है, पता नहीं अनाप शनाप आंसर दे रहा है। चलिए, एन का मान निकालना है अर्थात आपको संख्या निकालना है। आपको मैंने पढ़ाया कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या, और अगर आपसे संख्या पूछेगा तो ये इधर गया तो इधर ही भाग में आ जाएगा, तो योगफल बटा औसत होता है भाई। तो आप यहां देखिए, एन संख्याओं का योगफल 800 है और इसका औसत 20 है, तो एन का मान, एन मतलब संख्या निकालना है, योगफल बटा औसत, आंसर 40 हो जाएगा, आंसर 40 होगा। चलिए आगे देखिए, आप अगर मान लिया जाए, आपसे एक सवाल किए हम, 50 संख्याओं का औसत 34.25 है, इनका योग क्या है, निकालिए जल्दी से। जल्दी आंसर दीजिए, नीतीश प्रजापति, वेल डन, बहुत अच्छा,
लेकिन आप शायद हमको लगता है गलत जवाब दे रहे हैं। संजीत कुमार मैथमेटिक्स ऑफ मिशन। जयराम विनय चंदन पटेल ये सब क्या कर रहा है? अरे भैया गुना भाग तो कम से कम सही से कर, मेरे पास होता तो तुमको फांसी दे देते हम। गुना भी गलती कर रहा है बहुत सारा। चंदा कुमारी 1712 ये सबको मुर्गा बना देना चाहिए। गुना भी गलत कर रहे हैं। देखिए लिखा 50 संख्याओं का औसत ये है तो इनका योग क्या है? तो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। योग बराबर तो यहां एवरेज है 34.25, गुना नंबर है आपका 50। आप क्या करेंगे किसको गुना कर देंगे? तो प पचे 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 5 × 4 = 20, 1 = 21, 5 × 3 = 15, 2 = 17 और ये 0। दशमलव दो अंक के बाद आंसर 1712.50 होगा। आंसर 1712.50। आप गलती गुना नहीं करेंगे, ये गलत बात है। चलिए अब हम क्वेश्चन का कुछ लेवल बढ़ाते हैं, मतलब आपका हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इस बुक से ले रहा हूं जो आपके क्लासरूम का नोटबुक था, इसी से मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, देखिए कि 20 लड़कियों की औसत आयु, 20 लड़की का एवरेज एवरेज एज आपका है 15 वर्ष और 25 लड़का, 25 लड़का का एवरेज एज है आपका 24 वर्ष। आपका दोनों ग्रुप का एज निकालना है, दोनों ग्रुप का एवरेज एज निकालना है। बहुत अच्छा पहला जवाब दिए हैं नालंदा की धरती से मुन्ना जी, फिर जयराम, सूरज, ज्योति, जयराम, विनय पटेल, पूजा वर्मा, चंदन कुमार, रणधीर कुमार। चलिए बहुत अच्छा, और भी लोग हैं। चलिए पहले हम इसको मैथमेटिकली जो अभी बेस सीखे हैं उससे बनाते हैं, फिर इसका एक अच्छा सा रूल बताएंगे। देखिए गर्ल्स है 20 और इसका एवरेज है आपका 15, बॉय है आपका 25। ये आपका गर्ल्स है, ये आपका बॉय है। बॉय है 25, इसका एवरेज है 25। टोटल एवरेज निकालना है। तो एवरेज का मतलब होता है कि योग बटा संख्या, यही जानते हम, योग बटा संख्या जानते हम। तो योग निकालने के लिए हमको गर्ल्स का योग और बॉय का योग, दोनों का योग निकालना होगा, तभी तो कुल योगफल करेंगे। क्योंकि एवरेज मतलब होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो देखिए गर्ल्स का टोटल योग कितना होगा? आपका योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, एकदम बुक वाला नियम बता रहे हम अभी। तो आप करेंगे गर्ल्स का योग 20 × 15, ये टोटल गर्ल्स का योग हो गया,
और बॉय कहियो 25 गुना 25। अब बटा जितने गर्ल्स और बॉय हैं तो टोटल 20 और 25 कितना है 45। 20 प्लस 25 एवरेज का मतलब कुल योग बटा कुल संख्या। तो योग निकालिए गर्ल्स का, तो गर्ल का योग होगा 20 गुना 15, क्योंकि योग बराबर औसत गुना संख्या, तो औसत 15 है, संख्या 20 है, तो गर्ल्स का योग 20 गुना 15, बॉय का योग 25 गुना 25, तो ये हो गया टोटल योग। और कितने ऑब्जर्वेशन है, तो गर्ल्स 20 और बॉय 25। एकदम डिटेल से सोल्व करते हैं, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। तो 25 गुना 25 625 हो गया, और 15 गुना 20 यानी 300 हो गया, तो कह सकते हैं 925 हो गया। अब बट्टा यहाँ आपका 25 और 20 45 हो गया। एक मिनट, कहीं गलत तो नहीं हुआ ना? ओहो, कहाँ गलती लिखे हैं? अच्छा 24 बोले थे हम। एक मिनट, कोई बात नहीं, 24 कर देते हैं। चलिए 24 बोले थे तो 24 रहने देते हैं। 20 गुना 15 आपका 300 हो गया, और 25 गुना 24 हो गया आपका 600, ये हो गया 900। अब बटा 20 25 हो गया 45, आंसर 20 हो गया, 20 आंसर हो गया। हो सकता है हम गलत लिख दिए थे, कोई बात नहीं है, चलिए। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, देखिए कैसे। आप हमेशा संख्या ऊपर में लिखना कि गर्ल्स आपका 20 है और बॉय आपका 25 है, इसका एवरेज इसके सामने लिखना, इसका एवरेज 15 है और इसका एवरेज 24 है, इसके सामने लिखना। आपको इतना गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए कैसे, आप इसमें संख्या को काट के अनुपात में छोटा कर लेना, 5 5 25 5 4 20। आप नहीं भी काटिएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन काटिएगा तो आराम से छोटा कैलकुलेशन होगा। और आप इसमें से, इन दोनों एवरेज में से किसी एक को एवरेज मान लेना, जैसे मान लिए कि हमारा एवरेज 15 है। अब आप देखिए कि आपने सभी व्यक्ति का एवरेज 15 माना है, लेकिन अगर आपके एवरेज में आपको इसको जोड़ेंगे तो ये आपके एवरेज से ज़्यादा है। अगर एवरेज से ज़्यादा है तो प्लस लिख दीजिएगा, कम रहेगा तो कम लिख दीजिएगा। कितना ज़्यादा है जो बताइए, तो 24 15 से 9 ज़्यादा है, 24 15 से 9 ज़्यादा है, तो ये 9 जो है वो कितने आदमी में ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 5 आदमी में, यानी टोटल 45 ज़्यादा हो गया। और एवरेज का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा है उसको लेकर सब में बराबर बराबर बांट देना। तो सब में मतलब टोटल आदमी कै गो है, 4 5 9 गो, तो 9 में बांट दिए तो 5 5 बढ़ जाएगा, तो 15 पहले से था, 5 और आ जाएगा, आंसर 20 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 20। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, इस मेथड में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नो? तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक सवाल है, देखिए लिखा हुआ 40 संख्याओं का औसत 40 संख्याओं
का औसत 40 है, अगले 60 संख्याओं का औसत 60 है, तो पूरा 100 संख्या का औसत निकाले, पूरा 100 संख्या का औसत निकाले। जल्दी से आंसर दीजिए। मेरे बहुत सारे बच्चे ने आंसर दे दिया। अरे मैंने क्वेश्चन लिखा 40 संख्याओं का औसत 40 है और 60 संख्या का औसत 60 है, तो पूरा 100 संख्या का औसत ज्ञात करना है। मैक्सिमम बच्चों ने 52 आंसर दिया है। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर, सुबोध तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? 70 कहां से ला रहे हो? आर यू मैड? देखिए, जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार और देखें और ध्यान से देखें। इसको बेसिक नियम से अगर हम बनाते हैं तो औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो 40 गो का औसत 40 है, तो इन 40ों का योग कैसे निकालेंगे आप? 40 गुना 40, और इनका योग कैसे निकालेंगे? 60 गुना 60 बटा संख्या, संख्या है 40 प्लस 60। संख्या 40 गो और 60 गो, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो 1600 और 3600, 3600 और 1600 आपका हो गया 5200। अब बटा संख्या होगा 40 और 60 100, आंसर 52 हो गया। जो बेसिक रूल से भी बनाता उसका भी आंसर आ जाता। और नियम तो इसका बड़ा आसान है, एकदम दिमाग में बसा लो इसको। संख्या हमेशा ऊपर लिखना, संख्या 40 गो है और 60 गो है, इसका एवरेज उसके नीचे लिख देना, यानी एवरेज 40 और एवरेज 60 है, और टोटल का एवरेज निकालना है। टोटल का क्या निकालना है? एवरेज। तो जो आपका संख्या है वही कटेगा, एवरेज मत काट देना कभी भूल से। एवरेज को कभी नहीं काटना है, संख्या काटना है। अगर नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, लेकिन काटने से कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो 20 दुना 40, 20 तीस 60। अगर हम 40 को लेके चलें तो आप बताओ मुझे कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर ज्यादा 20 है। तो 20 ज्यादा कितने आदमी में है? तो आप कहेंगे 3 आदमी में है। और जो ज्यादा होता है एवरेज, वो नंबर होता है ज्यादा लेकर सब में बांट देना। तो सब में बांट देना यानी 2 और 3 5 में बांट देना, तो 5 चौका 20, तो 12 और 40 हो गया 52। अब कुछ बच्चा को लगेगा कि क्या छोटा ही लेके चलना है? जरूरी नहीं है, आप किसी को भी लेके चल सकते हैं, 60 भी लेके चल सकते हैं। अगर 60 लेके चलें तो ये कितना कम है वो देखो। तो आप कहेंगे सर 20 कम है, तो माइनस। और आपका 20 कम कितने आदमी में है? 2। तो 20 दूना 40 बटा टोटल में, अगर कम है तो उसको दूसरे से ला के देना है। तो देखिए 3 अदू 5, तो 8 पचे 40, आंसर हो गया 52। यानी ज्यादा रहेगा तो प्लस और कम रहेगा तो माइनस। तो चलिए आप सवाल अगला बनाइए। किसी को लेकर चल सकते हैं, और जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए वो वीडियो दोबारा देखेंगे, तभी कल का क्लास अटेंड करेंगे। एक सवाल हम लिख रहे हैं, देखिए।
एक कक्षा में तीन विभाग हैं ए बी और सी, और इसमें छात्र की संख्या है, छात्र की संख्या है आपका 60, 40 और 50, और इनका औसत भार है आपका 52, 58 और 55। पूरा का एवरेज निकालना है, पूरा एवरेज निकालना है आपको। शालिनी सिन्हा ने पहला जवाब दिया है, रविशंकर कुमार यादव विक्रांत बेवकूफ है, गलत आंसर दिया है, विनय पटेल, जयराम कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सूरज सिंधई हाई लिख रहे हैं, इनका तो बात ही अलग है, संजय सेरा, मुकेश कुमार, जयराम, गुड्डू, अंकित, नालंदा की धरती से मुन्ना, विनय पटेल, स्वीटी। चलिए, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया है, देखिए इसमें आप फटाफट संख्या लिख लो भाई, संख्या है 60, 40, 50, एवरेज उसके सामने लिख लो, यहां 52, 58, 55, बाकी आप जितना स्पीड में करो आपकी मर्जी जितना स्पीड कर सकते हो, ये संख्या को काट के छोटा कर लो, नए भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अब आप इसमें से किसी को लेके चल सकते हो, बस ख्याल रखना बड़ा रहेगा अगला तो प्लस और छोटा रहेगा तो माइनस। हम 52 लेके चलते हैं, आप बताइए ये वाला ग्रुप अगर शामिल होगा तो ये ज्यादा है तो प्लस, कितना ज्यादा है 6, कितना आदमी में 4, तो 6 चौका 24, यहां भी ज्यादा है तो फिर प्लस, कितना ज्यादा है 3, कितने आदमी में 5, तो 5 3 15, अब बटा में टोटल 6 4 10 5 15। अब आप कैलकुलेट कर दो 52 प्लस 24 और 15, 39/15, तो ये हो जाएगा 15 × 30.1590, यानी 54.6 आंसर हो जाएगा, 54.6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? धर्मराज कुमार, आप मुंबई से हैं, आप आंसर दे रहे हैं तब पर भी आपका नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बिहार से नहीं हूं तब ना, ऐसा कोई बात नहीं है, हम ऐसे लोग हैं जो पूरे अपने देश के हर राज्य के निवासी का सम्मान करते हैं, आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए कि मैं आपका नाम नहीं ले पाया तो आप हमारे दिल में नहीं हैं, मैं आप भी मेरे दिल में हैं, सभी इनफैक्ट सभी लोग हमारे दिल में है, जो हमसे पढ़ रहे हैं वो भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, आप टेंशन मत लीजिए ये सब छोटा छोटा बात के लिए। देखिए एक बात और है कि इस क्वेश्चन में कभी कभी परसेंटेज के फॉर्म में भी देगा, और आपको परसेंटेज के फॉर्म में भी
आपको इसका यूज कर लेना है एवरेज से, लेकिन उसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन और देना चाहते हैं। देख, टीम ए में और टीम बी में, टीम ए में 20 खिलाड़ी है और टीम बी में 18 खिलाड़ी है, ठीक है। अब कह रहा है ये संख्या है और इसका औसत ऊंचाई एवरेज हाइट, एवरेज हाइट 5 फुट 11 इंच, 6 फुट 2 इंच, तो सभी की औसत ऊंचाई निकालना है, सभी का औसत ऊंचाई निकालना है। ऑप्शन है आपका 72, 70, 70.22, 74, 72.42। क्या क्या लिख दिया, कोलकाता से हैं हम, बिहार से हैं हम, देहरादून से हैं हम, भागलपुर से हैं। नियम बहुत सारे हैं, आप प्लीज पहले मेरा पूरा थ्योरी देख लें, अभी मैंने स्टार्ट किया है, बहुत सारे नियम हैं। क्वेश्चन पर जिस समय हम आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि अभी मैं स्लो चल रहा हूँ, आप लोगों ने बोला स्लो चलिए, तो मैं स्लो चल रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसा मेथड है, लेकिन जब इस पर पकड़ बन जाएगा ना, तो ये ऐसा मेथड है, इससे आप परसेंटेज के बड़े बड़े सवाल, आप टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के बड़े बड़े सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े बड़े सवाल आप आराम से कर लेंगे। मैं एवरेज को केवल एवरेज के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहा, मेरा एवरेज पर बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब भी चैप्टर कवर हो जाएगा, मैक्सिमम सवाल। देखिए, सबसे पहले संख्या ऊपर लिख लीजिए, 20 और 18 संख्या है, यानी 10 और 9, और चूंकि औसत ऊंचाई सबका इंच में निकालना है, तो क्यों नहीं हम इसको इंच में बदल दें, तो 12, 25, 60, 11, 71 इंच, क्योंकि एक फुट में 12 इंच, तो 12, 25, 60, 11, 71, यहां 12, 6, 72, 74 इंच। अब हमारा इसको आंसर देना है, तो 71 अगर हम लेके चलें भाई, तो ये वाला ग्रुप जो है, दूसरा वाला ग्रुप जो है, इस एवरेज से ज्यादा है, तो प्लस लिख दो, सिंपल है, इसमें अलग क्या है, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, कितना ज्यादा है तो 9, 9 ज्यादा है तो 9 * 3 = 27, और बटा टोटल का निकालना है तो 19 से भाग दो, तो देखो एक बार में ही लग पाएगा, तो 1 दशमलव कुछ लगेगा, और आंसर देने में कोई देरी नहीं करो, ये होगा, क्योंकि 71 में एक जोड़ेंगे तो 72 दशमलव समथिंग आएगा, और 72 दशमलव समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, 72 दशमलव समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको लगा सकते हैं। चले एक और सवाल, उठाते हैं, देखिए इसका परसेंटेज में कैसे यूज होगा, ए बी सी तीन विभाग हैं, और इसका जो छात्र है, छात्र की संख्या है, वो छात्र की संख्या 50, 75 और 125 है, इनका औसत प्राप्तांक जो है, औसत प्राप्तांक जो है वो 80%, 75% और 60% है, तो
पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक निकालना है, औसत प्राप्तांक आपको निकालना है। ऑप्शन है 67.5%, 68.6%, 68.5% या नन ऑफ दिज है। जल्दी से आंसर दीजिए। 68.5 आपने आंसर दिया है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, अगर क्वेश्चन में अलग अलग ग्रुप दिया है और उसका अलग अलग परसेंटेज दिया है और आपसे सभी का परसेंटेज पूछा है, इट मीन्स ये एवरेज का रूल से आसानी से बन जाएगा। इसको परसेंटेज के रूल से बनाएंगे तो ये सवाल थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, टिपिकल मतलब कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, लेकिन एवरेज से बनाएंगे तो ये काफ़ी आसान बन जाएगा। मतलब अगर आपका प्रश्न में दो या दो से अधिक ग्रुप दिया हो और प्रत्येक ग्रुप का अलग अलग औसत या अलग अलग प्रतिशत दिया हो और सभी का औसत या सभी का प्रतिशत पूछा जाए, तो आप एवरेज का रूल अपनाकर जल्दी से सवाल का जवाब दे सकते हो। तो देखिए, हम छात्र की संख्या लिख लेते हैं 50, 75, 125। फटाफट इसको काट भी लेते हैं 2:3:5। इसका परसेंटेज है 80, इसका 75 और इसका 60। और आप स्वतंत्र हो किसी से भी शुरू करने का, बस एक चीज ख्याल रखो, ज्यादा रहेगा प्लस, कम रहेगा माइनस। हम एकदम छोटा वाला 60 से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं, 60 से स्टार्ट किया। अब ये क्या है, तो आप कहेंगे 15 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस, 15 + 45। ये कितना ज्यादा है, 20, तो 20 × 40, ज्यादा रहेगा तो प्लस प्लस और कम रहेगा तो माइनस। और यहां टोटल 5 × 3 = 8 = 10। देन आपका 40 और 45 आपका 85 हो गया, 85/10 8.5 हो गया, आंसर 68.5 हो गया। मतलब आज आपको हम क्या क्या पढ़ाए हैं, एक नजर हम पूरे सवाल पूरे आज का क्लास पे ध्यान दें, तो सबसे पहला बात कि अगर एवरेज निकालना हो तो कुल योगफल बटा कुल संख्या बेसिक रूल, योगफल बराबर औसत गुना संख्या, संख्या बराबर योगफल बटा औसत। और इससे एक कंक्लूजन निकला था कि एवरेज वो नंबर रिप्रेजेंट करता है जो मिनिमम नंबर से बड़ा और मैक्सिमम नंबर से छोटा। दूसरा, एवरेज का डिविएशन 0 होता है, अर्थात एवरेज बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या को दे देता है, मतलब सबको बराबर बराबर कर देता है। उसके बाद अगर सभी नंबर्स आपस में बराबर हो तो एवरेज डायरेक्ट वो नंबर ही हो जाता है। उसके बाद इसका एक रूल बना लिए हम कि एवरेज निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो एवरेज पूछने का तरीका आपके एग्जाम में ऐसे होगा कि आपका दो या दो से अधिक ग्रुप दिया रहेगा। ध्यान से सुनो, लास्ट वाला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक ग्रुप दिया रहेगा और उन ग्रुपों का अलग अलग औसत या अलग अलग परसेंटेज दिया रहेगा, और आपसे अगर उत्तर टोटल औसत या टोटल परसेंटेज पूछा जाए तो आप औसत के रूल को फॉलो करना। और औसत का रूल हमने क्या सीखा है आज, किसी एक के औसत से शुरू करेंगे और आपका ज्यादा रहेगा तो प्लस और कम रहेगा तो माइनस, और टोटल औसत निकालना रहेगा तो जो प्लस माइनस आएगा उसको टोटल से भाग देंगे। जैसे यहां टोटल 5 × 3 = 8 = 10,
टोटल का औसत पूछा है, इसीलिए टोटल में भाग दिया है। आपको आज के इस क्लास में कहीं से कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, जब बड़ा वाला क्या लिख दिया है, बड़ा वाला मान लेकर बनाइए। चलिए हम बड़ा वाला मान लेके बनाते हैं। चलो इसके सपना को पूरा कर दो, बड़ा वाला मान लेकर बनाइए। जैसे हम 80 लेके चले, यही बड़ा वाला है। यहां 75 जो है कम है, कितना कम है तो आप कहेंगे 5 ही कम है, 5 × 3 = 15। यहां 20 कम है तो 20 कितने आदमी कम है, 5 × 25 = 100। अब बट्टा 5 × 3 = 8 × 10 तो 80, 100 और 15 115 माइनस में, बट्टा में 10। अब ये हो गया आपका 11.5, 80 से 11.5 गया 68.5। इनफैक्ट आप 75 लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 लेके चलेगा, कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे ज्यादा है 5, तो प्लस 5 × 10। कितना कम है तो आप कहेंगे 15 कम है, 15 ही तो कम है, तो आपका माइनस 15 × 75 अबटा 10। 75 माइनस 75 और प्लस 10 माइनस 65 अबटा 10 यानी 6.5। 75 में से 6.5 घटा दीजिए, 68.5%। कहीं से शुरू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये जरूरी नहीं कि 80, 75, 60 से ही लेके बनाएंगे आपको। हम इसमें ये भी है कि आपकी मर्जी है, आप कुछ से भी लेकर बना सकते हो। ये तो मैंने एक छोटा सा रूल आज ही के क्लास में हम सब कैसे बता सकते थे, आप भी समझदार हो। इतना मेथड है ना कि तुम परेशान हो जाओगे किससे बनाए। इसमें कुछ भी लेके बना सकते हो, इनफैक्ट तुम 100 लेके भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, 100 लेके बना सकते हो। 100 से कितना कम है, 20, तो कम है तो 20 × 40। 100 से कितना कम है, 25, 25 × 75। 100 से कितना कम है, 40, 40 × 2 = 100। अब बट्टा टोटल 10, यहां देखिए 100 माइनस, यहां देखिए 200, 7 × 4 = 11, 300, 10 × 3 = 15, अब बट्टा 10, 31.5। आप 100 से 31.5 घटा के देखो तो 9 में से 1 = 8, 9 में से 3 = 6, 68.5। अरे भाई, तुम कुछ भी लेके चल सकते हो, लेकिन अभी थ्योरी चल रहा है ना, तो थ्योरी में हम मेन पॉइंट को लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादा बोझ अगर हम आपके सर पे एक ही बार लाद देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले चलना सिखाता हूं, और चलने के बाद आपको संभालना सिखाता हूं कि किस किस जगह पे आपको संभालना है। फिर आपको मुझे दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही दौड़ना स्टार्ट करोगे। तो इसलिए सारी चीज मुझ पे छोड़ दो, और ये सब बकवास नहीं करेंगे, कोई और मेथड बताइए। मेथड इतने हैं अपने पास कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगातार एवरेज हम पढ़ाना स्टार्ट करें ना, तो 2 महीना तक आपको एवरेज ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन फालतू का चीज क्यों पढ़ाएं, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उतना ही पढ़ो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्लीज कल का क्लास अटेंड करने से पहले इस वीडियो को एक बार और जरूर देख के आएंगे। एटलीस्ट कम से कम थ्योरी तक आप वीडियो दो बार रिवाइज करके आना। उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आप देखना, कोई टेंशन ही नहीं होगा, कोई तकलीफ ही नहीं होगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करें।
तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका कुछ सवाल है तो 2 मिनट के अंदर अंदर पूछ सकते हो। सर, आप जब रीजनिंग का क्लास में लेट आते हैं तो 1 आवर पहले इन्फॉर्मेशन दे दीजिए टेलीग्राम पर। सर, आज 12:30 तक क्लास का वेट, फिर नींद आ गया मुझे, आज मेरा क्लास भी छूट गया सर रीजनिंग का। क्लास दोबारा देख सकती हैं आप। बहुत अच्छा लगा सर पढ़ने में, नीतीश प्रजापति, थैंक यू। सर, रीजनिंग का अगला चैप्टर कौन सा होगा? तुम ही बोल दो रीजनिंग का अगला चैप्टर क्या स्टार्ट कर दूं। चलो, तुम जो रीजनिंग बोलेगा वही स्टार्ट कर देंगे। कहां गया वो? जो रीजनिंग का चैप्टर बोली अगला चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे। पजल तो साथ साथ लेके चल रहा है ना, पजल साथ साथ लेके चलेंगे। पजल हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और पजल समाप्त भी हो जाएगा। रैंकिंग का पजल रैंकिंग में पढ़ा दिया, सर्कुलर सीक्वेंस का पजल सर्कुलर सीक्वेंस में पढ़ा दिया, हॉरिजेंटल का हॉरिजेंटल में, कुछ मिसलेनियस आएगा उसको उस समय। आगे बोलिए, सेलोलिज्म कैलेंडर, सेलोलिज्म घड़ी, कैलेंडर, कैलेंडर ज्यादा बार आ गया। कैलेंडर सेलोलिज्म कैलेंडर, दो पॉइंट ज्यादा है कैलेंडर और सेलोलिज्म। मैं कैलेंडर का बहुत ज्यादा डिमांड है, चलिए मैं कैलेंडर पहले स्टार्ट करूंगा देन सेलोलिज्म। ऐप ओपन है? नो, ऐप पे अभी उसका डमी आया है और ऐप डाउनलोड करेंगे आप 2-3 दिन के बाद से। और ऐप डाउनलोड करने के बाद देखिए, अभी जो कोरोना वायरस है इसमें आपका बहुत ज़्यादा गैदरिंग क्लास में जरूरी करना नहीं है, इसलिए मैं ऐप भी बनवा लाया। जो बच्चा को ऐप में पढ़ना है ऐप में पढ़ेगा, जिस बच्चा को यूट्यूब पे खाली रहना यूट्यूब पे रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस दोनों बच्चा को ऐप पे ही करना है, क्योंकि ऐप पे जो प्रैक्टिस का सुविधा हो सकता है वो आपका यूट्यूब पे नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यूट्यूब पे ये सेट प्रैक्टिस बंद कर दिया, क्योंकि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। जीके का क्लास कल से, ऐप में फी लगेगा सर? ऐप में फी तो लगना चाहिए, क्योंकि ऐप में आपका सर्वर कॉस्ट है, टाइपिंग कॉस्ट है, डाटा कॉस्ट है, बहुत सारे लोग उसमें लगेंगे, तो ऐप पे फी तो लगेगा। लेकिन आप अगर तो ऐप में पढ़ाऊंगा भी, तो ऐप में आपका कोर्स ऑफलाइन के जैसा तो चलेगा ना, तो उसमें तो आपको कॉस्ट वहन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अधिक नहीं। जैसे मेरा ऑफलाइन का बैच का फी कितना ज़्यादा है, उतना नहीं, आपको बहुत कम फी करना पड़ेगा, जितने में आपका सर्वर वगैरह सारा का कॉस्ट निकल जाए और ये ऐप का खर्च निकल जाए। आप ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि उसमें मैं अपना खर्च जोड़ूंगा, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं। नहीं चंदन, चंदन कुमार, आप मुझ पे भरोसा कर रखो, मैं उस तरीके का टीचर ही नहीं हूं जो पैसे के पीछे भागता हूं। मेरे माँ बाप के पास कृपा, भगवान की कृपा से बहुत सारे पैसा, मेरे माँ बाप हमको अच्छे से खिला देते हैं। वो तो मैं पढ़ाने आपको आता हूं अपना वक्त देकर आपका खुशी ढूंढने में, आप खुश हो जाओ, आपका जॉब जल्दी से लग जाए, बस यही सब मेरा रीजन होता है। वरना फी अगर चार्ज करते तो मैं क्यों पागलों की तरह यहाँ पढ़ाता इतना सारा व्यवस्था करके, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल जीके के क्लास के लिए आप स्टार्ट रहेंगे 8 से 9 और 9 से 10, 8 से 9 ट्रेडिशनल जीके और करंट अफेयर के लिए 9 से 10। कल से रहेंगे रेडी, 25 क्वेश्चन आपका ट्रेडिशनल जीके और 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर प्रतिदिन चलेगा, जिसमें आपको बहुत सारा तैयारी हो जाएगा एग्जाम का।
ब्लड रिलेशन भी पढ़ा देंगे संदीप कुमार, मुझे आता है ब्लड रिलेशन, आप चिंता ना करो। किस कौन सा ऑफिसर एकेडमी क्या बोल रहे हैं, शाम में या मॉर्निंग में हमको समझ नहीं आ रहा। संजय सहरा, कौन सर पढ़ाते हैं डजेंट मैटर, आपको कैसा कंटेंट और कितने अच्छा से एक्सप्लेन होता है वो आप मैटर रखता है, ठीक है ना। बिहार रिजल्ट, बिहार पुलिस का रिजल्ट जब आना होगा, आ जाएगा, आपने परीक्षा दे दिया है ना, आप इत्मीनान रहो और आगे का तैयारी करो, केवल बिहार पुलिस के पीछे मत पड़ जाओ, आगे बहुत सारा है उसका तैयारी करना स्टार्ट कर दो। रेलवे का फॉर्म भरा है रेलवे का, और बहुत बहुत भयानक बैच मैं ऐप पर लेके आऊँगा, कंप्लीट एडवांस मैथ और कंप्लीट मैथ स्पेशल, बहुत ही मिनिमम फी में और इतना कम फी में, मैं वादा करता हूँ भारत का कोई भी टीचर उतना ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं पढ़ा पाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और अगर ऐसा मेरे से ज़्यादा कंटेंट आपको किसी भी ऐप पर मिल जाएगा, मैं आपका पैसा वापस करने का भी क्षमता रखता हूं। फी बिल्कुल लो होना चाहिए, लेकिन आप ये भी साथ में लिखो कि सर फी लो होना चाहिए बट कंटेंट हाई होना चाहिए, और उससे ज्यादा किसी और ऐप पर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये भी लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। बिल्कुल पीडीएफ भी रहेगा। जीके जीएस कोई सर नहीं पढ़ाते हैं, जो जीके जीएस पढ़ाने वाले आपके हैं वो आप ही के मित्र हैं, और वो खुद बीपीएससी का तैयारी करते हैं, यानी बीपीएससी का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और यकीन मानो जब वो ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर देंगे तो वो आपको YouTube पर मेरे ही चैनल पे सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो। सौरभ कुमार, जो मेरा सब क्लास कर चुका है वो मेरे ऐप पे रिवीजन कर सकता है, और अगर रिवीजन में उसको लगता है कि नहीं मुझे रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, तो केवल वो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर ले, सफिशियंट है। इंग्लिश का बैच स्टार्ट, इंग्लिश के लिए अभी मेरे नज़र में कोई टीचर नहीं है, जब ज्वाइन करेंगे आपको बता दिया जाएगा, बातचीत चल रहा है, लेकिन देखो लाने से पहले मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाता है। वो तो समय बताएगा कि कौन क्या है, वो तो समय बताएगा। एडवांस मैथ मुझे कोई पढ़ाने नहीं आया था, और जो है आज भी उसको, वो मेरा ही एडवांस मैथ फॉलो करता है, जो लिखे हैं ना वो, उनको पता नहीं है कि आज कौन कहाँ निकल गया। चलिए, एसएससी का वैकेंसी अपने नियमित समय पर रहेगा, बाकी का कैलेंडर आपके पास है, जो सीएचएसएल का होना बाकी था वो, और जो आपका सीजीएल मेंस का होना होगा वो। चलिए, एक मिनट रुको ना, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल बात करते हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।